महाराष्ट्र टेंडर्स आज की वीडियो में हम एक टेंडर का पेमेंट करना देखेंगे। यहाँ पर मैंने टेंडर डिटेल्स को डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पर मुझे ये टेंडर की आईडी मिलती है। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, उसके बाद कॉपी, और उसके बाद देखिए यहाँ पर है सर्च एक्टिव टेंडर्स। इस पर एक सिंगल क्लिक टेंडर आईडी यहाँ पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल वी सर्च। इसे फेवरेट कर लेना होता है, इस पर टिक करेंगे, सेट ओपन टेंडर एज फेवरेट, इस बटन पे एक सिंगल क्लिक। उसके बाद माय टेंडर्स। अब ये जो टेंडर है जिसका हमको पेमेंट करना है, यहाँ पर फिलहाल एक ही टेंडर है, यहाँ पर बहुत सारे टेंडर भी हो सकते हैं, तो बहुत ध्यान से उसका आईडी वगैरह देख लेना होता है, उसके बाद उसे व्यू करेंगे। प्रोसीड फॉर बिडर सबमिशन, आई अग्री, नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी हम डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर रहे हैं और बीओक्यू भी अपलोड नहीं करना है, जैसे हमें सिर्फ पेमेंट करना है, तो पेमेंट करते वक्त तो अच्छी तरीके से यहाँ पर अमाउंट चेक कर लेनी होती है। साथ ही साथ जो टेंडर भर रहे हैं हम, जिसका पेमेंट कर रहे हैं हम, उसे भी अच्छी तरीके से चेक कर लेना होता है। पे ऑनलाइन, यहाँ पर मैं ये रेडियो बटन पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद सबमिट सबमिट। यहाँ पर दो ऑप्शन है हमारे पास, SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग। तो मेरे केस में SBI बैंकिंग है, इसलिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर यूजर आईडी डालना होता है, यहाँ पर पासवर्ड डालना होता है, उसके बाद लॉगिन करना होता है। आप इस कीबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्चुअल कीबोर्ड का, और अगर इसे रीसेट करना है तो इस बटन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ और उसके बाद पासवर्ड डालता हूँ और उसके बाद लॉगिन करेंगे। उसके बाद कंफर्म करेंगे। यहाँ पर आपको ओटीपी फिल करना होता है और उसके बाद कंफर्म करना होता है। उसके बाद कंफर्म, उसके इस तरीके से आपका पेमेंट हो जाता है।